इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। अस्पताल के जेल वार्ड में उपचार के लिए लाया गया बंदी रविवार देर रात बाथरूम की कांच निकाल कर भाग गया, जिसके बाद पुलिस और जेल प्रबंधन के द्वारा बंदी की लगातार तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश रतन पर जादू टोने का शक में हत्या करने का आरोप था, जिसे जुलाई माह में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी एनीमिया रोग से ग्रसित था, इस कारण उसे जेल से बीते दिनों उपचार के लिए जिला अस्पताल के जेल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। बंदी ने रविवार रात लगभग 1 बजे अचानक मौका देखकर जेल वार्ड की खिड़की से कांच निकालकर नीचे रखी और फरार हो गया। जैसे ही कैदी के फरार होने की जानकारी पुलिस को लगी तो तत्काल आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन उसका कहीं कोई जानकारी नहीं लगी है। वो कम से कम पाँच मिनट बैठा। उसके बाद मैं उसका भाई आया, भाई को बैठा, बोल यहाँ बैठ तू। उसको भाई को बोला मैं यहाँ बैठ, उतने भार वो क्या है, मैं जाके देखा वहाँ, उतने वहाँ वो कांच को निकालता है, निकल गया मुंजिम ने। उसके बाद मैं जो गार्ड प्रभारी था उनको मैं सबको बताया, उसको हमने उसको ढूंढने लगे। जुन्नारदेव के अरविंद विद्यालय से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुआ छात्र घटना के लगभग 2 घंटे बाद छिंदवाड़ा स्टेशन में मिलने से रेलवे में हड़कंप मच गया। विद्यार्थी के परिजन तत्काल अपने रिश्तेदारों के साथ छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग की है, जबकि मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रहा है। दरअसल जुन्नारदेव के अरविंद स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा 8वीं का विद्यार्थी टॉयलेट जाने के बहाने स्कूल से बिना कहीं चला गया था। स्कूल प्रबंधन के द्वारा तत्काल इसकी सूचना विद्यार्थी के परिजनों को दे दी गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा अपने बेटे की खोज खबर के लिए रिश्तेदारों और परिचितों को फोन किया गया, जहां पर उन्हें एक परिचित ने बताया कि उनका बेटा ट्रेन परासिया स्टेशन पर दिखाई दिया है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना आरपीएफ को दी, जहां पर स्कूल से गुम हुआ छात्र ट्रेन में बैठा हुआ पाया गया था। मैं परासिया तक आया और फिर 9:30 की ट्रेन से परासिया से उतारे मेरे को, तो फिर दिल्ली ट्रेन आई रही थी, थोड़ा 2 मिनट बस बचा था तो उधर प्लेटफॉर्म 1 में तो चले गए थे वो। फिर थोड़ा सा मैंने हाथ से थोड़ा सा पीछे से खोल लिया था, उन्होंने ही खोले थे थोड़ा सा। मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म में आया, वहीं बीच में टीसी खड़ा था, टीसी के पीछे में आके खड़े हो गया, तो फिर वो उधर से चले गए। बच्चा मेमो ट्रेन में बैठ गया छिंदवाड़ा की तरफ आने वाली, और ये बात हमको जैसे हमको पता चला तो हम सभी लोग, मतलब हमारे जितने भी रिलेटिव हुए और हमारे जितने भी पहचान वाले हैं, ये सबको हमने मैसेज सेंड करे तो सब भिड़ गए। अब घूमे और फिर हमको पता चला किसी दूसरे के व्यक्ति, क्या तुम्हारा ये कहीं जा रहा है क्या, तो बोले नहीं, तो उसको बात करे उस नंबर से लेके, तो वो बच्चे के साथ था जो डेली अप डाउन कर रहा था छिंदवाड़ा जामे, उससे बात करने के बाद उसको उसी के साथ रखे और यहाँ पर छिंदवाड़ा में बच्चा हमारा मिला। अरविंद विद्यालय में जुन्नारदेव में पढ़ता है, सुबह 8 बजे उसे स्कूल कैंपस में ले जाके छोड़ा गया और करीब 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ से स्कूल से फ़ोन आया कि आपका बच्चा मिसिंग है। बोले बाथरूम करने गया था, उसके बाद से बच्चा दिख नहीं रहा। प्रबंधन ने सिर्फ हमको इतनी सूचना दिया, ना प्रबंधन ने कोई FIR दर्ज करी, ना उसको ढूंढने की किसी प्रकार की कोशिश करी। हमने अपने माध्यम से अपने परिवार के सभी लोगों को बच्चे की फ़ोटो डाला, व्हाट्सएप मैसेज किया, दोनों दिल्ली ट्रेन में और छिंदवाड़ा ट्रेन में इसकी जानकारी चाही कि कोई परिचित कोई आ रहा जा रहा होगा, तो उससे भी खैर खबर लिया। उसके बाद फिर हमने जब उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक बच्चा है जो डेली अप डाउन करता है, उसको भी मैसेज गया, तो उसने फ़ोन करके जानकारी दी कि आपके यहाँ का बच्चा ट्रेन में है शायद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में बनाए गए प्रमाण पत्रों का विवरण हितग्राहियों को किया जाएगा। इसके साथ ही पैसा एक्ट सहित शासन की अन्य योजना को लेकर भी बिछुआ में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम के इस दौरे को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बैतूल जिले और मंडला जिले में लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसके बाद अब उनका दौरा छिंदवाड़ा में हो रहा है। इसे लेकर अधिकारी अब अलर्ट नजर आ रहे हैं। बता दें कि पहले प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर शहर में रूपरेखा तैयार की जा रही है।
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में 50% से अधिक छात्राओं को विभिन्न संकाय में फेल कर दिया गया है। इस मामले को लेकर आज कॉलेज की छात्राएं कलेक्टर शीतला पटले के पास शिकायत करने पहुंची। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें सिर्फ 1 और 2 नंबर से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने जबरन फेल किया है, जबकि इस मामले को लेकर उनके द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कि छात्राओं का भविष्य जो कलेक्टर महोदय के द्वारा बहुत यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार खराब कर रहा है, वो भी 1 नंबर 2 नंबर। जब यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी कहती है बच्चों ने पढ़ा नहीं, वहीं जब बैतूल के बच्चों ने आरटीए के तहत अपनी कॉपी मंगाए तो उनके 9-10 नंबर यूनिवर्सिटी दी थी, जबकि कॉपी चेक करने के बाद उनके 28 नंबर हो रहे। उसके बाद भी उनका 4 सेम यूनिवर्सिटी की गलती के कारण खराब हो रहा। वैसे ही कॉलेज में 11,000 छात्राएं थी, जबकि शासन का देश है कि न्यूनतम संख्या फेल की और अधिकतम संख्या पास की हो, लेकिन यूनिवर्सिटी उल्टा कर रही है, यहाँ पे अधिकतम संख्या फेल की कर दे रही। आज 800-900 छात्राएं बीएससी में है सेकंड ईयर में, उन सभी का रिजल्ट आया। आप यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, मतलब 50% से भी ज्यादा छात्राओं को फेल कर दिया गया है। जिला पंचायत सभा कक्ष में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नव अंकुर योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों में संस्थाओं का गठन किए जाने के सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। नव अंकुर योजना अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 5-5 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है। जिले में इस तरह से सिर्फ 55 नव अंकुर संस्थाएं जिनका चयन करा है, उन सभी की त्रैमासिक समीक्षा बैठक है। उसमें संस्थाओं के द्वारा जन अभियान परिषद चूंकि शासन के द्वारा निर्धारित अभियानों को चलाता है, तो उनकी समीक्षा बैठक है अभियानों की। साथ ही इन स्वयंसेवी संस्थाओं को पेशा एक्ट, जो अभी ट्राइबल में जन अभियान परिषद 4 विकास खंडों में काम कर रहा है, उसके विषय में प्रशिक्षित करने का कार्य भी चल रहा है। श्री दादाजी धुनीवाले की बरसी सोमवार को जिले भर में मनाई गई। इस अवसर पर दादा भक्तों के द्वारा दादाजी की विशेष पूजा अर्चना की गई। 4 फाटक स्थित श्री धुनीवाले दादाजी मंदिर में आज विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अभिषेक हवन पूजन के साथ दादाजी नाम अखंड जाप शामिल था। शाम को श्री दादाजी महाराज की महाआरती के बाद टिक्कड़ चटनी पूड़ी हलवे का प्रसाद वितरण किया गया। अंगड़ हनुमान मंदिर दादा दरबार में बड़े दादाजी श्री श्री 1008 परमहंस धुनी वाले दादा की बरसी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जागृति संकीर्तन रामायण मंडल द्वारा विगत 25 वर्षों से एक कार्यक्रम किया जा रहा है और हमेशा निरंतर चलता रहेगा। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। इसमें कांग्रेस ने जिला प्रशासन से आगामी दिनों में होने वाले समस्त शासकीय आयोजनों में जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आमंत्रित किए जाने की मांग रखी। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा आगमन पर उनसे भेंट के लिए निर्धारित स्थान व समय प्रदान करने की मांग रखी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओपटे, नगरपालिका निगम महापौर विक्रम अहके, विधायक सुनील उइके, सुजीत चौधरी, नीलेश उइके व नगरपालिका निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो उपस्थित रहे। जो संभावित मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, उस संबंध में हम लोग चर्चा करने आए थे। उस चर्चा में हमारे 2 मुख्य बिंदु थे। एक तो सबसे पहले जो उद्घाटन भूमि पूजन होंगे, उस प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए,
जिससे कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा ना हो, यह हमारा मुख्य पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा यह था कि छिंदवाड़ा जिले में विकास को लेकर बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई है, या ऐसी बहुत सारी योजनाओं में जो काम रुके पड़े हैं, इन सब मांगों के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, पूरी कांग्रेस की टीम उनसे मिलना चाहती है, इसलिए हम उनसे कलेक्टर से हमने निवेदन किया। आज स्थानीय ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में इंदौर से आए हुए विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा बच्चों को आकाश गंगा, ग्रह नक्षत्र व चंद्रयान के बारे में जानकारी दी गई व टेलीस्कोप की मदद से टिमटिमाते ग्रह को भी दिखाया गया। विद्यार्थियों को माइक्रो एम्पियर, फॉर्म टच, पुली मॉडल, मंगलयान मॉडल के बारे में जानकारी दी गई। समन्वय राजेंद्र सिंह व सुनील सिंह ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी से हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को रोचक जानकारी दें, जिससे वे बाल विज्ञान के रूप में विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखें व आगे चलकर महान वैज्ञानिकों में इनका नाम भी आ सके। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, संजीव जैन, प्राचार्य जयेश डबली व शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में 3 दिवसीय खेल महोत्सव का समापन आज पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक जैन, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन डॉक्टर शिखर सुराना के साथ AIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, प्राचार्य रविशंकर माथुर, एडमिन विजेंद्र इंदुरकर के हस्ते सभी विजेता प्रतिभागियों को रंगारंग कार्यक्रमों में सम्मानित कर शुभकामनाएं दी गयी। भारत माता की राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीस गर्ल्स 100 लीटर स्ट्रेंथ ग्रेड 6 टू 10 कैटेगरी।